नमस्कार खम्मागढ़ी, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एबीएस एक्सप्लोर्स में। मैं हूं शाश्वत और इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी टाटा नेक्सॉन विच इज़ कवरिंग 60,000 किलोमीटर्स। 4 ईयर्स हो गए हैं, 60,000 किलोमीटर्स होने वाले हैं और आज टाइम है अपनी कार को थोड़ा सा कुछ न्यू दिलाने का, कराने का। बोले तो कार के ना जो शूज़ होते हैं ना, रबर शूज़ की टायर्स चेंज कराने, वो 60,000 किलोमीटर्स एंड स्टैंडर्ड टायर्स लगे हैं, दैट वी आर गोइंग टू चेंज। एंड हेयर इज़ द ब्यूटी, ये खड़ी है, ये देखो इसमें टायर्स लगे थे गुडियर के। यस बेबी, हेलो। हेलो, आप मेरे वीडियो को क्रैश कर रहे हो। हेलो बेबीज, यो। तो अबे आज हम आपकी कार में टायर चेंज कराने वाले हैं, क्योंकि इसमें आ रहा 10 करोड़ का 10 करोड़ ट्रैक। 10 करोड़ से। तो इसमें लगे हुए हैं ये गुडियर एक्सीलेंस, ये मेंशन 215/60/16 इको, एंड दिस इज आल्सो यूनिडायरेक्शनल टायर, मतलब ये आउटसाइड इनसाइड है। अब आप देख रहे हो इतना पुराना टायर हो गया और इसमें यहाँ पे एक ये बल जाना शुरू हो चुका है और ऊपर से ठीक है, और शायद 2,500-3,000 किलोमीटर 3,000 भी चल सकते हैं, बट ये ना उसको 4 ईयर्स हो गए और ये थोड़ा सा हार्ड होने लग गया है, राइड क्वालिटी में पता चलने लग गया है। बाकी ओवरऑल कार की कंडीशनिंग इज़ ओके, अब क्योंकि दिल्ली नंबर है, दिल्ली में चलती है तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। ये खड़ी कार में हो जाता है, ये साइडवेज बाइकर स्कूटर्स मार देते हैं, कितनी भी आप इसको संभाल के रखो, पॉलिशिंग कराओ, बट यू कैन नॉट अवॉइड सच स्टूपिडिटी। अदरवाइज ओवरऑल आई एम प्रीटी हैप्पी विद द कार। अब यार ये मैडम ने ये वाली कार भी चलाई है और इसको कर दिया बिल्कुल ऊपर। So this is how the car is from inside. ये वो 57,269 चल गई, मतलब ऑलमोस्ट 60,000 होने वाले हैं। एंड फॉर मी दिस इज द टाइम, राइट टाइम टू चेंज द टायर्स। तो ओवरऑल देखो अंदर से कार लुक्स प्रीटी नाइस, इट्स वेल मेंटेन्ड फ्रॉम द इंटीरियर्स। ऑल राइट, सो लेट्स गो गेट दी न्यू टायर्स चेंज और थोड़ा सा वेदर का भी मजा लो। शॉर्ट ड्राइव ऑफ 2 मिनट्स, लेट्स गो। तो जस्ट टू टेल यू, दिस इज द नेक्सॉन एक्सजेड ए प्लस 2019 मॉडल, एएमटी है, डीजल है, नॉट द बेस्ट ऑफ द ऑटोमेटिक्स बट इट सर्व्स द पर्पस, मतलब क्लच नहीं है तो उसका अपना काम कर देती है और चल रही है, अच्छी चल रही है। हमारी इससे कोई रेस कार वाली, स्पोर्ट्स कार वाली, क्विक शिफ्टिंग वाली एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमारी एक्सपेक्टेशन इस कार से गियर शिफ्ट करने की थी ऑटोमेटिकली, कि हम क्लच ना दबा पाए, बिकॉज आई हैव एन इंजर्ड नी, प्लस ये फैमिली कार है तो फादर भी प्रेफर करते हैं ऑटोमेटिक चलाना बिकॉज ऑफ द एज एंड एवरीथिंग, एंड इट इज़ मोर कन्वीनियंट। तो देखो यार वेदर देखो आप, दिल्ली का बारिश हो रही है अनएक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट विप्रब जॉय जो आ रहा है और ऊपर से मॉनसून टाइम भी आने वाला है। एंड जब बारिश होती है ना दिल्ली में तो एक चीज़ बहुत ख़राब होती है कि बारिश तो हो जाती है लेकिन हवा नहीं चलती, हवा बंद हो जाती है, उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बहुत हो जाती है। तो वही सेम चीज़ हो रही है, अब रात से बारिश चल रही है, ड्रिजलिंग हो रही है एंड हम आ गए हैं टायर चेंज कराने। देखो शॉप खाली है, मैंने फोन करके पूछा है अमित भैया को, तो अभी कोई कार नहीं लगी हुई थी तो हम फटाफट से आ गए हैं टायर चेंज कराने। अभी आपने पिछले वीडियो देखा था तो उसमें मैंने कराया था i20 के टायर चेंज, अब आज हम आए हैं अपनी नेक्सॉन के टायर चेंज कराने। चलो अब, क्योंकि हो रही है बाहर बारिश तो ये मेरे को लगता है सीधा अंदर ही लगाएंगे कार को,
वो देखो पानी भरा हुआ है और ज़्यादा कोई अच्छा है नहीं बाहर दिखाने लायक, क्योंकि कचरा कचरा हो रहा है। और शॉप ईस्ट दिल्ली टायर, हमें भैया नंबर लिखा हुआ है, द कार इज गोइंग इन। टायर स्लिप हो रहे हैं, गीले हो रहे हैं और मुझे लगता है एक टायर में से हवा भी निकलने लगी है। बिल्कुल सही टाइम पर आए हम। वो देखो आगे वाला जो टायर है ना, लेफ्ट वाला, उसमें से हवा भी निकलने लग गई है। ये देखो लेफ्ट साइड वाला टायर ऊपर चढ़ाते ही फट चुका है, या जो भी हुआ है काम हो गया उसका, सही टाइम पे हुआ है। आज नए टायर लगने वाले हैं। अब पहले पीछे वाले टायर खोलोगे? ओ आगे कैसे खोलोगे? आगे आगे। आगे तो आपकी वो बनी हुई है नीचे गैलरी, तो उससे कैसे निकालोगे? दिस इज द कंडीशन ऑफ द टायर, ट्रेड्स हैं कम है लेकिन क्वालिटी ऑफ रबर खराब हो चुकी है। क्वालिटी ऑफ रबर ना काफ़ी ख़राब हो गई है, देखो आप ऊपर चढ़ाते ही एक टायर तो हो गया पंक्चर। फाइव लग नट्स हैं इसमें, फोर लग नट्स। जो आवाज़ है ना इसकी प्रेशर वाले मोटर की, बहुत ही इरिटेटिंग है। कैसे आइसोलेट करें इसको पता नहीं। बट ये है नया टायर MRF फिंजा, सेम साइज, और ये है ओल्ड टायर, पैटर्न में काफ़ी डिफरेंस है दोनों के, एंड दो बहुत आर यूनिडायरेक्शनल। ये भी आउटसाइड इनसाइड है और ये भी आउटसाइड इनसाइड है, तो देखते हैं लग के क्या डिफरेंस होता है। यार डेंजरस तरीके से कार खड़ी है, कहीं भी टिल्ट हो सकती है यार। ये टैलेंट है इन लोगों का, कैसे भी खड़ी कर देते हैं, बट बड़ा ही संभल करना पड़ेगा। ये देखो इधर भी टायर नहीं है एंड इधर भी टायर नहीं है, बीच में ये शायद स्विंगा में उस पर लगाया हुआ है जैक, और हवा में लटका दिया अपनी प्यारी गाड़ी को। टायर्स खुल गए दोनों, और पीछे के दो टायर्स पहले चेंज होंगे व्हील्स में। And let's check out the new and the old tire. ये है अपना नया टायर MRF Perfinza, दिस इज ऑल्सो आउटसाइड इनसाइड। ये ट्यूबलेस लिखा हुआ है, आउटसाइड इनसाइड कहाँ लिखा है इसमें, कहाँ लिखा है आउटसाइड इनसाइड? ओके कहीं तो लिखा होगा, ढूंढना पड़ेगा। दोनों टायर के पैटर्न्स काफी डिफरेंट हैं। कहीं तो लिखा देखा था कलम ने, आउटसाइड स्टील बेल्टेड रेडियल।
वैसे भी इसका इधर और इधर वाला पैटर्न थोड़ा सा अलग ही है, ये तीनों अलग डायरेक्शन में, तो इससे भी पता चल जाएगा। खुल चुका है ऑलमोस्ट और उसने नया टायर डल चुका है, तो उसके बाद होगी इसकी बैलेंसिंग चारों टायर्स की, फिर कार की अलाइनमेंट होगी एंड देन हम ड्राइवर के साथ करेंगे। थर्टी फाइव प्रेशर डाला जा रहा है, देखने में तो अच्छा सा लग रहा है टायर, होपफुली कंफर्ट में और ड्राइविंग में एंड ग्रिप में भी अच्छा होना चाहिए। रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं इसके। मैं i20 में भी यही डलाना चाह रहा था बट ये ना मिल नहीं रहा था 2023 में, i25 का 205 साइज का, बट 215 जो साइज़ है ना नेक्सॉन वाला उसमें ये अवेलेबल था, इसमें लगवा लिया है मैंने। वैसे भी हम इंडियन हैं, वी हैव टू बी देसी। एंड देयर ही इज अमित भैया अंदर बैठे हुए हैं, नंबर मैंने दे दिया, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप टायर नीड्स के लिए। एंड दिस शॉप हैज सम इन स्टॉक एंड बाकी स्टॉक अरेंज हो जाता है, एंड दिस इज मी। हेलो, बिना टायर के रिम कितना छोटा सा और अजीब सा नहीं लगता? छोटा सा नहीं है। अच्छा, तो ये 4 साल हो गए हैं इसलिए नोजल चेंज कर रहा है। ओके, बढ़िया, देख लेना आउटसाइड इनसाइड वो तो देख ही रहे होगे, वो तो आप देख ही रहे होगे, बस हमें बोलने में मजा आता है ना। तो ये जैसे इसमें प्रोजेक्टर्स लगाए हुए ना, दीज आर बाई बाई बीम प्रोजेक्टर्स, हाई एंड लो, इसमें HID लगाई हुई है। ये सेम चीज़ ना मैं i20 में भी करना चाह रहा हूँ, तो मुझे बताओ यार कमेंट्स में कि i20 के लिए ऐसा कुछ अवेलेबल है क्या n लाइन के लिए। ये तो शायद 3 इंच प्रोजेक्टर्स हैं, i20 में शायद 1.5 इंच का लगेगा, तो ऐसा कुछ आता है क्या मार्केट में बताओ यार प्लीज़ कमेंट करके। यार ये देखो काफ़ी पावरफुल टॉर्क की कार है लेकिन इसमें पीछे डिस्क ब्रेक नहीं है, ये होना चाहिए था। आई मिस दी डिस्क इसमें पीछे क्योंकि थोड़ा सा ब्रेकिंग हल्की लगती है क्योंकि टॉर्क ही बहुत है, बट एडिक्वेट है, होता तो बेटर होता है यार पीछे में। तो ये जा चुका है फर्स्ट टायर, हवा हवा भर के अब इसकी ऐसे फिट कर दिया जाता है टायर को, व्हील को बेसिकली ऐसे घुमाते हैं और ये पता करती है, जब घूम जाता है ना तो मशीन पता करती है कि कितने एरिया में कौन से एरिया में कितना वेट डालना है। लग गया आखिरी टायर, आखिरी भी हो रहे भैया संभाल के, चारों लग चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर अलाइनमेंट, तो लग के सही तो लग रहा है। सिटी पे चलती है, इको मोड है मोस्टली हाईवे के लिए जहाँ पावर और कुछ चाहिए नहीं होता। चलो शुरू करो, देखो आप पीछे आगे पीछे करने को बोल रहे हैं।
सही है सर इसके हिसाब से। स्टीयरिंग टेढ़ा था इसका वैसे हल्का सा। माइनस टेढ़ा था ना तो कौन से नीचे रोड से पड़े। अच्छा अरे वाह कमाल हो गया एकदम इसमें सही दिखा रहा है। या तो मे बी जो पहले लेफ्ट राइट हो रही थी ना वो शायद टायर की वजह से हो रही थी। टायर सही नहीं थे टायर हार्ड थे थोड़ी वॉबलिंग ऐसे वॉबल भी फील होता था। चलो बेटर है कंप्यूटर तो ये बता रहा है कि सब सही है। आप ये कुछ तो नीचे कर रहे हैं भैया। टेस्ट करके आओगे Nexon 2019 XZA plus diesel auto with new MRF tires going for testing. All right, guys, my fellow travelers and enthusiasts. So finally, car में चारों tires हो गए हैं change. और अब कार को थोड़ा कुछ दिन चलाएंगे एंड देन विल सी कि व्हाट इज दी परफॉर्मेंस चेंजेस या क्या बोल सकते हैं कंफर्ट चेंज या ग्रिप चेंज ओवरऑल डिफरेंस फ्रॉम गुडियर टू MRF एंड देन ओल्ड टू न्यू क्या होता है उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। ओवरऑल अभी ये जो है 500 मीटर मैंने चलाई है इसमें तो अच्छा ही लग रहा है। देखने में भी टायर अच्छा था न्यू है तो थोड़ा सा तो बेटर होगा बट अब एक्चुअल डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। और थोड़े सा ही शॉर्ट रेनी ड्राइव भी कर ली जाए। देखो वेदर इज गुड मेरे को ना ड्रॉपलेट्स हल्की हल्की जो पड़ रही है इसमें पड़े हुए मज़ा आता है बट इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है ऑल राइट गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप यू लाइक द वीडियो डू कॉमेंट ऑन द फॉग लाइट पार्ट जो मैंने पूछा कि i20 में ऐसी कुछ आती है क्या तो मेरे को बताओ। मैंने पिछले वीडियो में भी ये डाला था i20 में मेरे को कुछ चेंज करना था बट एनीवेज दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग टू ABS Explorers और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे एंड अभी प्लान काफ़ी अच्छा है और भी कुछ कार्स के रिव्यूज़ भी करेंगे अपने ट्रैवल वीडियोज भी पुराने डालेंगे एंड देन सम ऑफ यू नो दैट आई हैव सोल्ड माई सफारी उसका भी वीडियो अभी पेंडिंग है वो पड़ा ही हुआ है डाला नहीं है तो वो भी मैं डालूंगा एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग होप यू हैड फन। जय श्री राम।